नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस फंडिंग एक्विजिशन और थोड़ी बहुत क्रिप्टो न्यूज। शुरू करते हैं। पहली न्यूज है कि एलन मस्क ने अपना तीसरा और आखिरी घर भी अब बेच दिया है। तो दुनिया के थर्ड रिचेस्ट इंसान, जिनका नेटवर्थ अभी 169 बिलियन डॉलर्स है, इससे पहले उन्होंने अपने दूसरे घर तो बेच दिए थे, अब फाइनली उन्होंने अपना बे एरिया वाला घर बेच दिया है। और इनकी कंपनियां भी तो यार काफ़ी दूर दूर है, पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, क्या पता रेंट में रह रहे हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हो। बट मानना पड़ेगा यार, एलन मस्क अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। लगता है उनको पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो अपना मिशन और विजन अचीव करके ही मानेंगे। दूसरी न्यूज़ में हम बात कर लेते हैं उन सीईओ की जो कि हाईएस्ट पेड सीईओ है एक पब्लिक कंपनी के 2020 में। तो इनका नाम है अलेक्जेंडर कार्प और वो US बेस्ड डेटा एनालिटिक्स कंपनी पैलेंटीर के CEO हैं। और इनको 2020 में 1.1 बिलियन डॉलर्स यानी 8,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की सैलरी मिली है। इंटरेस्टिंग बात ये कि यार अभी तो पैलेंटीर प्रॉफिटेबल नहीं है, बट होपफुली अलेक्जेंडर इसको प्रॉफिटेबल बना देंगे। अगली न्यूज़ में थोड़ी देसी स्टार्टअप स्टोरीज भी कवर कर लेते हैं। तो इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर और ज़ीरोधा के कोफाउंडर निखिल कामत ने भी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को ऑनलाइन चेस चैरिटी कॉम्पिटिशन में हरा दिया। तो उसमें उनका एक्यूरेसी 99% था, बट बाद में पता चला कि यार वो चीटिंग कर रहे थे। मतलब वो एनालिस्ट और कंप्यूटर्स इन सब की मदद ले रहे थे और उन्होंने फिर अपोलोजाइज भी किया, chess.com ने उनका अकाउंट बैन भी किया और वो बोल रहे थे कि यार मैं तो मजाक में खेल रहा था। बट आपका क्या ओपिनियन है, क्या ऐसा चीटिंग करना चाहिए था या नहीं, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। आप थोड़ा अदानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ दिनों पहले सुचेता दलाल, जिन्होंने हर्षद मेहता स्कैम भी एक्सपोज किया था, उन्होंने ट्वीट किया कि भैया अभी भी इंडिया में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। फिर मंडे की सुबह एक न्यूज़ आई कि NSDL ने 3 FPIs के अकाउंट्स जिन्होंने 43,000 करोड़ रुपीज अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किए, उनके अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिए हैं। फिर कई सारे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो शेयर प्राइसेस हैं वो लोअर सर्किट हिट हुई। बट इवनिंग में अदानी ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी किया कि भैया ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। और NSDL ने भी स्टेटमेंट दिया कि भैया हमने किसी अकाउंट को फ्रीज नहीं किया है। बट आपको क्या लगता है कि क्या सही में अदानी ने कोई झोल किया है या फिर उनके राइवल्स उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताना। अच्छा, अगली न्यूज जो इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर लेने का सोच रहे थे ना, उनको काफी फायदा देने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट ने FAME II यानी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सब्सिडी है वो बढ़ा दिया है। पहले 10,000 रुपीज था 1 kWh के लिए, अब उसको इंक्रीज करके 15,000 रुपए कर दिया है। और पहले सब्सिडी आपको जो व्हीकल का कॉस्ट है उसके 20% तक के कॉस्ट में ही मिलता था, अब उसको इंक्रीज करके 40% कर दिया है। तो हमारे जो एथर एनर्जी है, आगे जाके ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी निकालेंगी, इन सब के अगर आप ई बाइक्स लेते हो तो आपको फायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। अगली न्यूज़ है कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि यार US के बड़े बड़े बिलियनर्स हार्डली कोई टैक्स पे करते हैं। तो अभी एक रिपोर्ट आई है कि यार 2014 से लेकर 2018 तक जो बड़े बड़े US के बिलियनर्स हैं, जैसे कि जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफे, ये बहुत कम टैक्स पे करते हैं। मतलब अपनी वेल्थ का वॉरेन बफे ने 0.1% टैक्स पे किया है, जेफ बेजोस ने 0.98% टैक्स पे किया है। मेरे हिसाब से तो यार अगर इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो इनको टैक्सेस ज़्यादा पे करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट सोसाइटीज़ को और ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाए। बट आपके क्या ओपिनियंस है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा, एक और न्यूज़ अभी मिस हो गई थी। क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह का कहना है कि यार जब क्रेड हायरिंग करता है ना, वो डिग्रीज नहीं देखता। उनका कहना है कि यार वो खुद एक फिलोसफी मेजर है और यहाँ तक कि एक उनके सीनियर लीडर है, उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करी, सिर्फ 10th पास है। तो उनका कहना है वो डिग्री पे नहीं बल्कि स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगली न्यूज़ है कि यार SpaceX ने बोला है कि यार वो काफ़ी एयरलाइंस के साथ बात कर रहे हैं ताकि वो स्टारलिंक की मदद से इनको इन फ्लाइट वाईफाई प्रोवाइड कर पाएँ। तो आपको पता है कि यार मोस्टली एयरप्लेन्स में आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हो और जब इंटरनेट सर्विसेज मिलती भी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो यही प्रॉब्लम SpaceX स्टारलिंक के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और अगर इन फ्लाइट वाईफाई आ जाता है तो भैया आप हवा में भी अपना काम कर सकते हो और इंटरनेट यूज़ करके रील्स भी देख सकते हो। अब थोड़ी क्रिप्टो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है कि यार बिटकॉइन का प्राइस फिर से पंप हो गया है क्योंकि एलन मस्क ने भी रिसेंटली ट्वीट किया है कि अगर बिटकॉइन माइनिंग में 50% के अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होगी तो शायद टेस्ला फिर से बिटकॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट कर लें। अगली न्यूज़ है कि यार वजीर एक्स को 2,790 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए ED का नोटिस आया है, पर निश्चल सेट्टी जो कि CEO हैं वजीर एक्स के, उनका कहना है कि यार ऐसा अभी तक उनको कोई नोटिस आया नहीं है और वैसे भी वो सारे लॉज फॉलो करते हैं तो यूज़र के फंड्स तो सारे सेफ हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि यार थाईलैंड ने मीम बेस्ड कॉइन जैसे कि डोज कॉइन और NFTs को बैन कर दिया है। उनका कहना है कि जिनका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है या कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, ऐसे कॉइन्स को वो बैन कर रहे हैं।
अब देखते हैं कि यार दूसरे देश क्या डिसीजंस लेते हैं। पर आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया आप क्रिप्टो से रिलेटेड इतने सारे वीडियोस क्यों बनाते हो, तो इसका एक रीज़न है कि भैया अब तो एक क्रिप्टो बूम चल रहा है, मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिलता है। बट इसके अलावा आप देखोगे यार कई सारे ब्लॉकचेन क्रिप्टो बेस्ड स्टार्टअप्स को भी काफ़ी अच्छी खासी फंडिंग मिल रही है, और इस सेक्टर के भी स्टार्टअप्स ना पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। आप खुद पॉलीगॉन मैटिक को ही देख लो, $15 बिलियन का उनका मार्केट कैप टच कर गया था, उनके फाउंडर्स बिलियनर बने थे, तो उनकी भी स्टोरी काफ़ी मस्त है। और ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स डीफाई और ऐसी सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं जो कि सही में दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, लोन्स लेने में पैसे भेजने में जो दिक्कतें आती है वो सब भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कहना है कि भैया आप इतने सारे एक्सचेंजेस को क्यों प्रमोट करते हो, तो अगर आप देखोगे मोस्टली ये सारे एक्सचेंजेस मैं खुद यूज़ करता हूँ या फिर मैंने ट्राई किया हुआ है, और सबके कुछ ना कुछ अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अब रिसेंटली मैंने कुकॉइन को प्रमोट किया था, अगर आप देखेंगे इस साल में वन ऑफ द फास्टेस्ट गोइंग क्रिप्टो करेंसी है टेलकॉइन, और ये कॉइन अगर आप देखेंगे ना हुबी में अवेलेबल है ना फिर बाइनेंस में अवेलेबल है, पर कुकॉइन में अवेलेबल है। तो अगर ऐसा कॉइन खरीदना होता तो फिर आपको तो कुकॉइन डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कोई एक्सचेंज का कभी सर्वर क्रैश हो जाता है और उस टाइम अगर आप कोई कॉइन खरीदना चाहें तो फिर आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। इंडियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, बहुत इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है, बट कभी कभी वो पैसा एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज में जाना पड़ता है। इंडियन एक्सचेंजेस में भी अगर आप देखेंगे BitBNS में कोई डिपॉजिट फी नहीं है, कॉइन स्विच कुबेर का जो इंटरफेस है काफ़ी ईजी टू यूज़ है, तो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। और अगर आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, मान लो किसी एक्सचेंज में प्राइस ज़्यादा है दूसरे एक्सचेंज में प्राइस कम है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए तो आपके सारे एक्सचेंजेस में अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, और अकाउंट बनाना तो फ्री है ना यार। अकाउंट बना भी लोगे तो क्या दिक्कत है, आप खुद ही देख लो, मैं अपना मोबाइल ऐप का स्क्रीन डाल देता हूँ कि यार मैंने कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस डाउनलोड कर रखे हैं। और इसके अलावा कुछ एक्सचेंजेस में 10x का लेवरेज होता है, किस एक्सचेंज में 100x का लेवरेज होता है, तो ये फीचर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो। कुकॉइन में अगर आपके पास KCS के सिर्फ 6 टोकन्स हैं तो आपको हर दिन एक छोटा छोटा बोनस भी मिलता है, कुछ एक्सचेंजेस में आपको एयरड्रॉप मिलते हैं। तो अगर आप क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड और डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे ट्रेडिंग करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो चाहते हो या उसके ऊपर एक कोर्स चाहते हो, नीचे कमेंट कर लो, क्योंकि काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ हैं जो कि सही में आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। अब थोड़ा फंडिंग न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ है कि एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने $350 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है $16.5 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तो अब बायजूस इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया है, दूसरे नंबर पे अब आ गया है पेटीएम जिनका वैल्यूएशन $16 बिलियन है, और तीसरे नंबर पे ओयो जिसका वैल्यूएशन $9 बिलियन है। तो मतलब एडटेक स्टार्टअप्स का तो यार बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ चल रहा है। अब देखते हैं कि यार बायजूस इस फंडिंग की मदद से क्या नई नई चीज़ें और करता है। अगली न्यूज़ है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई स्टार्टअप इंस्टाडैप ने $10 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। तो बहुत जल्दी अपना INST टोकन भी रिलीज करने वाले हैं जो कि इन इन्वेस्टर्स को मिलेगा अर्ली एक्सेस पे, और इंस्टाडैप बेसिकली यूजर्स और डेवलपर्स को अलाउ करेगा अपना डीफाई पोर्टफोलियो बहुत इजीली मैनेज करने के लिए। अब देखते हैं कि यार कब तक ये प्रोडक्ट इंस्टाडैप मार्केट में लेके आता है। और अब हम बढ़ते हैं एक्विजिशन न्यूज़ की और जानते हैं कि किस स्टार्टअप ने कौन से स्टार्टअप को कितने $1 मिलियन में अक्वायर किया है। पहली और सबसे बड़ी एक्विजिशन न्यूज़ है कि कल्टफिट ने हार्डवेयर फिटनेस बेस्ड स्टार्टअप ट्रेड को अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में अक्वायर कर लिया है। तो ट्रेड की आपने वो साइकिल देखी होगी, काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे जो उन्होंने बनाया है जिसमें कनेक्टेड डिवाइस भी है और आप उसके मदद से काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हो। और कल्टफिट को आप धीरे धीरे हार्डवेयर सेगमेंट में एंट्री मारनी है, तो क्योंकि ट्रेड का ऑलरेडी इसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो शायद इसीलिए उन्होंने उनको अक्वायर कर लिया है। दूसरी एक्विजिशन न्यूज़ एक्चुअली एक पोटेंशियल एक्विजिशन न्यूज़ है क्योंकि जोमैटो शायद ग्रोफर्स को अक्वायर कर सकता है। तो ये बात तो आप काफ़ी टाइम से सुन ही रहे होंगे, बट अभी ये खबर आई है कि शायद जोमैटो ग्रोफर्स के फंडिंग राउंड को लीड करेगा और फिर बाद में मेजॉरिटी शेयर ले सकता है। पहले जोमैटो ने भी ग्रॉसरी सेगमेंट में एंट्री मारी थी पिछले लॉकडाउन के टाइम, बट फिर वो सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो उनको भी लगा होगा कि भैया ग्रोफर्स इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, सीधा इन्हीं को एक्वायर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस फंडिंग एक्विजिशन और क्रिप्टो न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर शेयर करना, और क्या आप चाहते हैं कि मैं और क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बनाऊं, कि कैसे आप कॉइन के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई एक कोर्स बनाओ, तो उसके ऊपर नीचे कमेंट कर देना। आगे हम ऐसी स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।